और अब बात जस्टिस मार्कंडेय काटजू की, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवाद में रहते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरते हैं। इस बार उनका बयान आया है कश्मीर और बिहार को लेकर। दरअसल अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने लिखा कि अगर पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए तो पैकेज डील में बिहार भी लेना होगा। देखिए इस पर पूरी रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत के पूर्व जज, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन, इलाहाबाद, दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और भी कई पदों से पूर्व हो चुके मार्कंडेय जस्टिस काटजू, यूं तो बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन बयान लिखने या बोलने में इन्हें ना पद का ख्याल रहता है, ना कद का और ना हद का। बोलते लिखते वक्त ना भाषा का संस्कार बचता है, ना शब्दों की मर्यादा। विवादित बयान काटजू की पहचान बन गए हैं, उन्हें चर्चा में उनके बयान ही लाते हैं। ताजा बयान उन्होंने पाकिस्तान, कश्मीर और बिहार को जोड़कर दिया है। जस्टिस काटजू ने फेसबुक पर लिखा है, पाकिस्तान को एक शर्त पर कश्मीर मिल सकता है, इसके साथ बिहार भी लेना होगा। ये पैकेज डील है, या तो दोनों, नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सिर्फ कश्मीर नहीं देंगे, मंजूर है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आगरा वार्ता के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भी ये ऑफर दिया था, लेकिन मूर्ख मुशर्रफ ने रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, काटजू ने अपनी फेसबुक वॉल पर बिहार, कश्मीर और पूरे मुल्क को एक चुटकुला बना दिया है। काटजू ने संता बंता की तर्ज पर लिखा है, आतंकवाद का समर्थन कौन करता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का समर्थन कौन करता है? बिहार। कैसे? पाकिस्तान बिहार के जंगल राज से ही आइडिया लेता है। जस्टिस काटजू के लिए हो सकता है कि ये चुटकुला हो, मगर उनका ये चुटकुला देश को चिंतित कर रहा है और यही वजह है कि सोशल साइट पर उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। माना कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर अभिव्यक्ति का मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि देश या किसी राज्य को मजाक बना दिया जाए। आज तक ब्यूरो।